डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज के इस लेक्चर वीडियो में हम कवर करेंगे एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर थ्री जीरो वन से लेके थ्री ट्वेंटी तक तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री जीरो वन में पूछा है कि फ्रेश सीवेज है वो स्टेल और सेप्टिक कितने टाइम में हो जाता है फ्रेश सीवेज है वो ऑर्डरलेस होता है और थ्री टू फोर आवर में वो स्टेल और सेप्टिक हो जाता है स्मेल आने लग जाती है उसमें फाउल गैसेज जनरेट होती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन थ्री जीरो टू में पूछा है कि वाटर कंटेंट है सीवेज में वो कितना होता है तो सीवेज में ऑलमोस्ट नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट तक वाटर कंटेंट होता है और बचा हुआ पॉइंट वन परसेंट के अराउंड उसमें सोलिड पार्टिकल्स होते हैं तो जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे उनमें मोस्ट एक्यूरेट जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर नाइनटी नाइन परसेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन थ्री जीरो थ्री क्वेश्चन थ्री जीरो थ्री में पूछा है कि इवोपोरेशन और सेटलेबल सॉलिड्स के मेजरमेंट के लिए कौन सा ऑपरेटर्स यूज किया जाता है तो ये होता है इमोफकोन ये ग्लास का बना हुआ कोन होता है और यहाँ पर इसमें रीडिंग लिखी हुई होती है जिस भी सीवेज का सेटलेबल सॉलिड्स मेजर करना है उसको इसमें फिल करके कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं और जो सॉलिड पार्टिकल्स है जो सेटलेबल है वो नीचे डिपोजिट यहाँ पर हो जाते हैं इकट्ठा और यहाँ से हम रीडिंग मेजर करके पता कर सकते हैं कि टोटल जो सीवेज है उसमें सेटलेबल सॉलिड्स है वो कितने हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट है क्वेश्चन थ्री जीरो फोर इसमें पूछा है कि फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड पे फाइव डे बीओडी एक टाउन का है वो हंड्रेड के जी पर डे है और पर पर्सन जो बीओडी है वो जीरो पॉइंट वन के जी पर डे है तो पॉपुलेशन इक्विलेंट कितना होगा मतलब इतना जो बीओडी है वो कितने पॉपुलेशन के इक्विलेंट है वन पर्सन है वो जो वेस्ट जनरेट कर रहा है उसकी बीओडी है वो जीरो पॉइंट वन के जी पर डे है मान लिया कि पॉपुलेशन पी है पी पीपल उस पे रह रहे हैं टाउन में इज इक्वल टू हंड्रेड तो यहां से पी निकल जाएगा जीरो पॉइंट वन तो ये आ जाएगा थाउजेंड परसेंट मतलब ये बी है ये थाउजेंड परसेंट जितना वेस्ट जनरेट करते हैं उसके इक्वल है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट है क्वेश्चन थ्री जीरो फाइव इसमें पूछा है कि लार्ज सिटीज में जो सीवेज है उसके डिस्पोजल का कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं के लिए? तो यहाँ पे प्योट्रिफिकेशन और ऑक्सीडेशन है, तो है।, है उसके लिए है और ये होता है उसको बोलते हैं प्योट्रिफिकेशन डायल्यूशन एक ऐसा मेथड है जिसमें कि सीवेज को कोई लार्ज रिवर है पास में उसमें डिस्पोज कर सकते हैं अगर रिवर का जो वाटर है वो प्योर है और उसका वॉल्यूम काफी है तो तो डाइल्यूशन है वो एक डिस्पोजल का मेथड है जो कि लार्ज सिटीज के लिए हम यूज कर सकते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन थ्री जीरो सिक्स में पूछा है कि अगर सीवेज का डिस्पोजल डाइल्यूशन मेथड से किया जा रहा है तो डाइल्यूटिंग वाटर में न्यूसेंस एक्सपीरियंस हो इसके लिए मिनिमम डायल्यूशन फैक्टर वो कितना होना चाहिए तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है क्योंकि जो डाइल्यूशन मेथड की गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग अगर डायल्यूशन फैक्टर है वो फाइव से ज्यादा है तो कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बट अगर 500 से कम है तो उस केस में सीवेज को पहले ट्रीटमेंट करने की रिक्वायरमेंट रहती है तो 500 से कम अगर है तो न्यूसेंस जनरेट होगा अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो तो उसके अकॉर्डिंग देखें तब तो सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं यहाँ पर आंसर की मैं आंसर दिया है ऑप्शन डी तो आप या तो डायरेक्टली याद रख लो या फिर स्किप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को क्वेश्चन थ्री जीरो सिक्स में पूछे कि ऑक्सीडेशन पोर्ड में सीवेज का ट्रीटमेंट होता है वो कौन से प्रोसेस से होता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड में सीवेज एरोबिकली एरोम्पोज होता है बट जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है उसको हम कोई आर्टिफिशियल तरीके से नहीं सप्लाई करते उसमें एल्गी होती है और एल्गी है वो ऑक्सीजन रिलीज करती है वो ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिकम्पोज कर रहे हैं सीवेज को उनके काम में आ जाती है तो ए और सी दोनों ही करेक्ट है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड सी क्वेश्चन थ्री जीरो एट में पूछा है कि ट्रिकलिंग फिल्टर है उसमें कौन सा प्रोसेस यूज होता है फिल्ट्रेशन होता है या बायोलॉजिकल एक्शन यूज होता है दोनों ही होते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर में ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है ट्रिकलिंग फिल्टर में कि यहाँ पर ये फिल्टर मीडिया है ये लार्ज साइज के एग्रीगेट्स हो सकते हैं कुछ और हो सकता है नेट मटेरियल इसके ऊपर सीवेज सप्लाई किया जाता है ऐसे स्प्रिंकलर के थ्रू बहुत ही कम रेट पे तो सीवेज में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे फिल्टर मीडिया पे अटैच हो जाते हैं वो फिल्टर मीडिया पे अटैच होके फिर धीरे धीरे उनमें एरोबिक एरोम्पोजिशन होता रहता है क्योंकि ये काफी लार्ज एरिया है और यहाँ पे एयर अवेलेबल है एटमोसफेयर में तो ऑर्गेनिक मेटर है वो एरोबिकली धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और जो क्लियर वाटर है वो यहाँ से परकुलेट होकर नीचे चला जाता है तो फिल्ट्रेशन भी हो रहा है यहाँ पर और बायोलॉजिकल एक्शन भी हो रहा है तो यहां पर आंसर की मैं आंसर दिया है ऑप्शन बी बायोलॉजिकल एक्शन बट दोनों ही प्रोसेस यहाँ पर हो रहे हैं तो आंसर ऑप्शन डी होगा इसका एक्जेक्टली एक दो लाइन में आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा पूरा प्रोसीजर है वही आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा या रेफरेंस में देना पड़ेगा क्वेश्चन थ्री जीरो नाइन में पूछा है कि ट्रिकलिंग फिल्टर में बीओडी कितना परसेंट रिड्यूस होता है तो ट्रिकलिंग फिल्टर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो रिमूव होते हैं और उसके कारण सेवेंटी फाइव टू एटी परसेंट बीओडी रिमूव हो जाता है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे बेस्ट सुटेबल जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी तो ये आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन थ्री हंड्रेड टेन क्वेश्चन 310 में पूछा है कि नॉर्मल में पीरियड ऑफ डाइजेशन कितना होगा एक तो डाइजेशन का प्रोसेस हमने पहले पढ़ा था जिसमें के थे। उसमें को होने के लग रहा था ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है इसके अलावा एक दूसरा होता है टू स्टेज डाइजेशन जिसमें स्लज को पहले एडमिट किया जाता है प्राइमरी डाइजेशन टैंक में और सात से दस दिन तक वो वहां पर रखा जाता है उसके बाद जो पार्टली डाइजेस्टेड स्लज है और जो सुपरनेंट लीकर है उसको वहां से रिमूव किया जाता है और सेकेंडरी स्लज डाइजेशन टैंक में उसको ट्रांसफर करके वहां पे 20 दिन तक रखा जाता है तो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है 10 डेज प्राइमरी स्लज डाइजेशन का प्लस 20 डेज है वो सेकेंडरी वाले का तो कुल मिला के थर्टी डेज में कंप्लीट हो रहा है स्लज डाइजेशन प्रोसेस तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन थ्री हंड्रेड इलेवन इसमें जो गैसेज मेनली कौन सी गैस है तो वो मिथेन होती है एटी परसेंट के अराउंड उसके बाद सीओ टू होती है और बाकी इनर्ट गैसेज होती हैं तो हमसे मेन पूछा है तो मेन तो मिथेन हो जाएगी ऑप्शन ई नेक्स्ट है क्वेश्चन थ्री हंड्रेड ट्वेल्व क्वेश्चन थ्री हंड्रेड ट्वेल्व में पूछा है कि हाउस ड्रेनेज के लिए मिनिमम ग्रेडियंट कितना होगा तो ये मिनिमम ग्रेडेंट डिपेंड करता है कि डायमीटर कितना है हाउस ड्रेनेज का जैसे कि हाउस ड्रेनेज का डायमीटर है वो हंड्रेड एम mm है तो ग्रेडेंट होगा वन इन थर्टी फाइव अगर डायमीटर थ्री हंड्रेड है तो वन इन टू हंड्रेड होगा ये हाउस सीवर्स के लिए ही है सारा बट क्वेश्चन में वो डायमेंशन नहीं दी हुई है सीवर की बट क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें यहाँ पर टेबल में दिए इन वैल्यूज में से इसके सबसे क्लोज है एक ऑप्शन वन इन सिक्सटी बाकी वैल्यूज है वो काफी ज्यादा कम है या फिर बहुत ही बड़ी है तो फिर यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वन इन सिक्सटी नेक्स्ट है क्वेश्चन थ्री हंड्रेड थर्टीन इसमें पूछा ऑयल और ग्रीस को सीवेज में कहा पर रिमूव किया जाता है तो स्क्रीनिंग में तो फ्लोटिंग पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं और स्कीमिंग होता है एक टैंक जिसमें कि ऑयल और ग्रीस को रिमूव करते हैं यहाँ पर एयर को डिफ्यूज करते हैं और ऑयल और ग्रीस जो है वो फ्लॉक्स बना लेते हैं वो फ्लॉक्स काफी लाइट वेट होते हैं तो ऊपर तैरते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं तो स्किमिंग होता है स्किनिंग नहीं होता है एम डबल एम होगा यहाँ पर तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन 314 इसमें पूछा है कि सेप्टिक टैंक में जो होता है ऑर्गेनिक बैक्टीरिया का वो कौन से प्रोसेस से होता है कौन से बैक्टीरिया उसको करते हैं सेप्टिक टैंक और टैंक ये दोनों ही अन बैक्टीरिया इसमें डिकम्पोजिशन करते हैं या अन एरोम्पोजिशन इसमें होता है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के डिकम्पोजिशन करते हैं क्वेश्चन 315 में पूछा है कि अगर वाटर फ्लो हो रहा है पाइपलाइन में तो उस केस में सेल्फ वेलोसिटी कितनी रखी जाएगी तो एक तो सेल्फ क्लिनिंग जो डिफाइंड है वो सीवियर लाइन के लिए डिफाइंड है उसका रीजन ये है कि सीवर्स में काफी सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं अगर वेलोसिटी कम हुई तो पार्टिकल सीवर पाइप में जमने लग जाएंगे तो वो सिल्टिंग वहां पर ना हो इसको अवइड करने के लिए मिनिमम सेल्फ वेलोसिटी मेंटेन की जाती है बट पाइप में जो फ्लो हो रहा है वो ऑलरेडी क्लियर वाटर है उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी नहीं है उतने और इवन पाइपलाइन में जो फ्लो होता है उसके लिए वेलोसिटी है वो मिनिमम वो ज्यादा ही रखी जाती है ताकि बहुत लार्ज साइज की पाइपलाइंस की रिक्वायरमेंट ना हो जनरली पाइपलाइंस में जो वेलोसिटी रखी जाती है वो जीरो पॉइंट मिनिमम जो वेलोसिटी है वो से मीटर पर सेकेंड के अराउंड है तो यहां पर आंसर की मैं आंसर ऑप्शन ए दिया है जो इसके अकॉर्डिंग हो सकता है इन दोनों से बड़ी वैल्यू अगर लेनी हो तो बस तो उतना लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है और आप स्किप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को नेक्स्ट है क्वेश्चन थ्री हंड्रेड सिक्सटीन क्वेश्चन थ्री हंड्रेड सिक्सटीन में पूछा है कि ड्राई वाटर फ्लो क्या है कंबाइंड सीवर में तो जब रेनफॉल नहीं हो रहा है रनऑफ का कोई भी पोर्शन सीवर लाइन में नहीं आ रहा है तो उस केस में जो सीवर में डिस्चार्ज होगा वो होगा ड्राई वेदर फ्लो वाटर फ्लो नहीं है वेदर फ्लो होगा ड्राई वेदर फ्लो तो इसमें हम इंक्लूड करेंगे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सीवेज को बट एक्सक्लूड स्टोम वाटर क्योंकि ड्राई वेदर फ्लो है तो ड्राई से मतलब रन ऑफ नहीं है उसमें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट है क्वेश्चन 317 317 में पूछा है कि ड्रॉप मैन होल है वो कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है तो इसको काफी बार डिस्कस कर चुके हैं जब जो ब्रांच सीवर है और मैन सीवर है वो जिस लेवल पे मीट कर रहे हैं उनमें डिफरेंस है तो उस केस में ड्रॉप मैन होल प्रोवाइड किया जाता है तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अगर सिक्सटी सेंटीमीटर या इसे ज्यादा का डिफरेंस है उसमें तो ड्रॉप मैन होल प्रोवाइड किया जाता है नेक्स्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन 318. 318 में पूछा है कि एंटी एंटीसाइफ पाइप है वो कहां पर फिट की जाती है तो ये डब्ल्यू सी ट्रेप के साथ फिट की जाती है आंसर होगा ऑप्शन सी और इसका रीजन ये है कि अगर अपर कुछ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और अपर फ्लोर्स में से अगर फ्लश किया जा रहा है तो बहुत हाई स्पीड से वाटर फ्लो होगा और वो वाटर काफी बार सक कर लेता है जो लेटल पाइप्स में है उस पानी को भी और लेटल पाइप्स में एकदम से वो वैक्यूम क्रिएट होता है और उस वैक्यूम के कारण डब्लू सी ट्रैप में जो वाटर सील मेंटेन करके रखनी है वो ब्रेक हो जाती है क्योंकि नेगेटिव प्रेशर होने के कारण वो वाटर है वो लेटल्स में फ्लो हो जाता है तो इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीसाइफनेज पाइप प्रोवाइड की जाती है तो ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन थ्री हंड्रेड नाइनटीन क्वेश्चन 319 में पूछा है कि वाटर की कौन सी इंप्योरिटी रिमूव करने के लिए क्लोरिनेशन किया जाता है तो क्लोरिनेशन को डिसइंफेक्शन भी बोलते हैं और ये बैक्टीरियाज को रिमूव करने के लिए किया जाता है तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन थ्री इसमें पूछा है कि सेप्टिक टैंक का जो एफ्लुएंट है उसको कहाँ पर डिस्पोज कर सकते हैं तो सेप्टिक टैंक का एफ्लुएंट होता है वो वैसा ही होता है जैसे कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का होता है उसमें काफी सारे लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है 200 टू 250 मिलीग्राम पर लीटर तक बीओडीस की काफी हाई होती है तो इस एफिल्ड को हम किसी भी ओपन ड्रेन में डिस्पोज नहीं कर सकते कुछ स्पेशल मैकेनिज्म अडोप्ट करते हैं इसके लिए तो ऑप्शन बी में दिया है कि फाउल एंड डिजोल्ड एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स सी में दिया एज गुड एज दैट फ्रॉम ए कंप्लीट ट्रीटमेंट तो एज गुड तो नहीं है फिट फॉर दिस चार्ज इन टू एनी ओपन ट्रेन तो ये भी नहीं है तो तीनों में से ऑप्शन बी है वो करेक्ट है क्योंकि फाउल भी है और उसमें काफी सारे डिजोल और सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी हैं आंसर के में इसका आंसर ऑप्शन बी दिया है बट इसका सॉरी कर... आंसर के में जो दिया है वो ऑप्शन ए दिया है बट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी और रेफरेंस के लिए आप एज के गर्ग की बुक यूज कर सकते हो उसमें दिया गया ये पेज नंबर थ्री नाइन्टी फोर पर और चैप्टर का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एस के घर की बुक सीवेज डिस्पोजल एंड एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग में इस पेज नंबर पे दिया गया है ये कि कैसे कैसे हम इसको डिस्पोज कर सकते हैं बट ओपन ट्रेन में नहीं कर सकते तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई करते रहिए ऑल द वेरी बेस्ट